हेलो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन है इसमें एलडीएलआई का परीक्षण करना बताएंगे सदस्य समष्टि में ठीक है तो ये अपन को दिया रहेगा तो ये जो कुछ दिया है उसको लिख लो पहले यहाँ पे एलडी क्या है रैखिकता परतंत्र और एल क्या है रैखिकता स्वतंत्र तो ठीक है इसमें अपन का परीक्षण करना है करो इसको दिया है जो, जो कुछ टू, 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 थ्री थ्री यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री की वैल्यू पुट कर दो मतलब रख दी उसकी वैल्यू तो अब देखो ए वन माइनस ए थ्री देखो यहाँ पे ए वन इसका आ गया और ए टू का जीरो में करेंगे तो वो जीरो आएगा इसलिए यहाँ पे ए टू की वैल्यू नहीं रखी अब ए अब यहाँ पे ए थ्री का माइनस वन में तो माइनस ए थ्री करेंगे अब देखो इसका करो ए टू टू ए वन हो गया थ्री ए टू हो गया टू ए वन थ्री ए, ए टू प्लस डॉट अब ए वन का जब जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा फिर ए uh, टू का वन में करेंगे तो ए टू आएगा ए थ्री का वन में करेंगे तो प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो जीरो इन समीकरणों का गुणांक आव्यूह गुणांक आव्यूह कैसे निकालेंगे ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए वन ए वन के आगे वन होगा फिर जीरो क्योंकि इसमें ए टू है नहीं है तो फिर और यहाँ पे ए थ्री की वैल्यू कितनी माइनस वन और यहाँ पे टू और थ्री और ए थ्री नहीं है तो जीरो अब इसमें ए टू वन देखो इसमें ए वन नहीं है तो यहाँ पे जीरो और ए टू वन और ए थ्री के आगे वन ठीक है ये हो गया अपन का गुणांक का व्यू अब देखो इसका प्रसार करो इसको जैसे अपन ऊपर का ऊपर रो का अपन प्रसार कर रहे हैं रो का ठीक है जब इस रो का करेंगे तो पहले इसका निकाल रहे हैं तो इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो ठीक है थ्री इंटू वन थ्री वन माइनस वन इंटू जीरो तो जीरो आएगा फिर जब जीरो अब इसको करो अब वन का हो गया अब जीरो का करो तो ये बंद तो जाए 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 हो जाएगा और ये मतलब जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो वो तो जीरो ही होगा तो इसको जीरो ही लिख दिया ठीक है अब इसका करो माइनस वन इसका हो गया इसका हो गया अब इसको तो ये बंद कर लेंगे और ये बंद कर लेंगे ठीक है अब इन दो का टू बन या टू ये माइनस वन टू माइनस वन जी मतलब ये थ्री इन जीरो तो माइनस जीरो होगा अब इनका निकालो तो ए वन थ्री या थ्री माइनस वन टू या टू थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि या अतः ए वन ए टू ए थ्री मतलब अतः ए वन इज इक्वल टू वी जीरो ए टू इज इक्वल टू वी जीरो ए थ्री इज टू जीरो क्लियरली अल्फा वन अल्फा टू अल्फ़ा थ्री रेखिक था स्वतंत्र रे, प्रूव्ड दैट ठीक है मतलब कहने का ये है यदि जीरो आता है कहने का ये है यदि ए वन ए टू ए थ्री तीनों जीरो आते हैं मतलब बराबर आते हैं तो तो रैखिकता स्वतंत्र है एल आई क्लियरली अल्फा वन अल्फा टू अल्फ़ा थ्री एल आई है ठीक है और यदि ये बराबर नहीं होते हैं तो एल डी हो रैखिकता परतंत्र लेकिन यहाँ पे ये बराबर हो रहे हैं ठीक है स्टूडेंट यदि आपको पसंद आया हो तो, तो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें थैंक यू